हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आप सबके चैनल जदवंशी ब्लॉग में। और आज एक नई रेसिपी लाए हैं, तो देखिए ये रेसिपी में क्या बनाएंगे। तो ये है रोटी, बची हुई दोपहर की रोटी थी, इसका कुछ नाश्ता बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं, बहुत चटपटा बहुत अच्छा सा बनता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बना के ज़रूर देखिएगा ये नाश्ता। तो चलिए पहले इसको मिक्सी में पीस लेंगे, अच्छे से पीस जाती है मिक्सी में, तो पीस लेते हैं इसको। तो देखिए इसको कितना बारीक पीस लिया है, ये देखिए ऐसे ही इसको पीस लेना है कितना बारीक। अब देखिए इसमें क्या बनाएंगे, इसमें जाएगा बहुत कुछ सामान। तो ये है एक छोटी सी प्याज, ये दो हरी मिर्च, और ये दो तीन जो लहसुन के, और एक इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी फाइनली चॉप किया है। इसको चॉपर में डाल के महीन चॉप करना है, तो चॉपर में डाल के चॉप कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए इसको चॉप कर लिया कितना बारीक, इसको इसमें सब डाल देंगे। ये नाश्ता बहुत टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा। अगर नहीं बनाए, हो सकता बहुत से लोग जानते हो बनाना, बनाया भी हो खाया भी हो, लेकिन ये उनके लिए जिन्होंने नहीं बनाया है ये वाला नाश्ता, जिनके लिए भी नया है वाकई में, वो ज़रूर ट्राई करें। और ये आलू है उबला हुआ, ये इसमें डाल देंगे, उबला आलू है ये देखिए, ये इसी में डालेंगे और मैशर से मैश कर देंगे अच्छी तरीके से आलू। वाकई में बहुत टेस्टी नाश्ता बनता है, बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है ये नाश्ता, वो रोटी नहीं खाना चाहते हैं बिल्कुल, बहुत रोटी से आनाकुनी करते हैं, तो उनके लिए एक ज़बरदस्त स्नैक्स बन के तैयार हो जाएगा। तो अब इसमें जाएगा थोड़ी सी हल्दी सिर्फ कलर के लिए, और जाएगा थोड़ा सा जीरा पाउडर टेस्ट के लिए, और ये जाएगा चाट मसाला, चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा जाएगा ताकि खट्टापन टेस्ट अच्छा सा आ जाए, चटपटा बच्चों को लगे, और जाएगा हल्का सा नमक, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, तो बिल्कुल थोड़ा सा ही नमक जाएगा। इसमें चला जाएगा एक चम्मच भर के बेसन, थोड़ा सा और बस इतना बेसन जाएगा इसमें। अब ये सब कर लेंगे मिक्स, बढ़िया सा एक डो तैयार करेंगे उसको मिक्स करके। अभी से खुशबू आने लगी, जो कि भी कुछ नहीं बना, लेकिन मसालों का मिक्स बहुत महक आ रही है। इसमें कुछ ज़्यादा पकाने वाला नहीं है, बिल्कुल सब कुछ पका पकाया ही है। तो चलिए अब इसका ये मिक्स तैयार हो गया, अब इसकी बनाते हैं छोटी छोटी सी बॉल, जो बच्चों को पसंद आने वाली है बहुत। ये बॉल बन जाएंगी छोटी छोटी सी, चाहे आप बॉल बना दें, चाहे आप ये शेप दे दें, आप कुछ भी शेप दे सकते हैं। बॉल बताई है, अभी देखिए हो सकता कुछ और भी शेप दे दें हम। ये देखिए ट्रायंगल का भी शेप दे सकते हैं, आप कुछ भी शेप दे सकते हैं इसका। देखिए ये बॉल बन गई हैं लड्डू के जैसे, अब इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इतने अच्छे लड्डू बने हैं, इनको फ्राई करेंगे। चलिए रखते हैं कढ़ाई गर्म होने के लिए, फिर इनको करते हैं फ्राई। तो फ्रेंड्स तेल हो गया है गर्म, राई का तेल है, अब इसमें डाल देंगे धीरे धीरे ये बॉल्स, रोटियों की बॉल्स, बहुत चटपटी बनती है, एक बार बनाइएगा
ज़रूर पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर पसंद आ गई आपको तो, नहीं पसंद आई तो मत करिएगा सब्सक्राइब, लेकिन ज़रूर एक बार करिएगा, बना के देखिएगा ज़रूर, बहुत टेस्टी बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। टिफ़िन में भी आप झटपट बना के दे सकते हैं, अक्सर बच जाता है, रोटियां बच गई अक्सर होता है, सुबह की रोटी दोपहर में बच गई, दोपहर की शाम में बच गई, तो शाम में बच गई तो शाम का नाश्ता, रात की बच गई तो सुबह बच्चों के टिफ़िन में टेस्टी सा बन जाएगा, बच्चे पूरा टिफ़िन खाली करके ही घर आएंगे। और हाँ, अगर मेहमान आ गए आपके घर में, कुछ भी नहीं है बनाने को, तो झटपट आलू तो सबके घर में रहता ही है, बहुत कम रहता है कि हाँ आलू ख़त्म हो जाए, बिल्कुल आलू रहेगा, बेसन की जगह आप आटा भी डाल सकते हैं इसमें, झटपट नाश्ता बना देंगे, कितना 10 मिनट में बनेगा ये नाश्ता, बस फटाफट फटाफट सब कुछ मिक्सी में ही तैयार करना है। और मेहमान भी खुश, वो भी सोचेंगे क्या चीज़ बना के खिला दिया, आपकी बासी रोटियों का अच्छा यूज़ हो जाएगा, सब चटपटा भी खा लेंगे, ऐसे बासी रोटी नहीं कोई खाना चाहता है। तो मेरे चैनल पर ऐसे ही नई नई रेसिपी आपके लिए बनाते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, और चैनल को देखें, उसकी रेसिपी पसंद करिए, बना के देखिए, पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करिए, और नहीं तो अगर नहीं भी पसंद आ रही तो आगे हो सकता है आपको रेसिपी पसंद आ जाए कोई, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसे ही नई नई रेसिपी, और हाँ मेरी रेसिपी ज़्यादातर हम ट्राई करी की हुई ही आप लोगों को दिखाते हैं, जो मेरी बेस्ट रेसिपी होती है, आप पसंद नहीं पसंद आना वो आपके ऊपर है, आपको नहीं पसंद आई मेरी चीज़ तो उसका तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादातर हम सबसे बेस्ट चीज़ ही अपनी दिखाते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट करते रहिए तो कुछ नया नया लेके आते रहेंगे, मोटिवेट होता है मन, नया नया कुछ और बनाने का मन करता है, और जब व्यू नहीं आते तो बहुत मन उदास हो जाता है, फिर कुछ करने का मन नहीं करता, किसी काम में मन नहीं लगता है, कुछ रेसिपी शूट करने में मन नहीं लगता है, क्या बनाए क्या बनाए, और आप लोग कुछ कमेंट भी नहीं करते हो, जितने भी व्यूअर्स हैं देख के सिर्फ हट जाते हो, ना शेयर ना कमेंट्स ना लाइक ना सब्सक्राइब, व्यू आते हैं अभी तो आजकल व्यू भी आना बंद हो गया, अभी कल के वीडियो में सिर्फ एक दिन वीडियो डाला था, सिर्फ 19 व्यू ही आए, बहुत तकलीफ़ होती है, आदमी इतना मेहनत करके इच्छा से इतना मन से डालता है कि आप लोग को पसंद आएगा, आप लोग को पसंद ही नहीं आ पाता है, चलिए कोई बात नहीं, मेहनत करते रहेंगे, शायद आपको पसंद आए, कोई तो वीडियो पसंद आएगा कि आप उस पर हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी उम्मीद से डालते रहेंगे वीडियो, कभी तो आपको पसंद आएगा, देखोगे हो सकता है मेरी कोई रेसिपी आपको अलग लगे, हट के लगे कि हाँ चैनल में कोई बात है, सब्सक्राइब कर लेते हैं, अच्छा अच्छा वीडियो देखने को मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, तो शायद हम सामने भी आएँ, अभी डर की वजह से सामने भी नहीं आ रहे हैं, पता नहीं आप लोग रेसिपी पसंद नहीं कर रहे, मुझे क्या पसंद करोगे, इसलिए प्लीज़ आगे बढ़ने में सपोर्ट करिए थोड़ा, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, चैनल को ग्रो होने दें, आप लोगों का बहुत सपोर्ट है, और जो लोग ने किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि प्लीज़ सपोर्ट करें, जैसे और चैनल को आप लोगों ने किया है, सब कुछ आपके ही ऊपर है, हम कुछ भी बना लें अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो मेरी मेहनत बेकार है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, ये जो रेसिपी है ना ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनता था, हम लोग छोटे थे तो मेरी मम्मी बनाती थी ये रेसिपी, लेकिन मैंने और भी चैनल पर देखी है ये रेसिपी, लोगों ने बनाई है लेकिन उनका दूसरा तरीका है, और मेरा थोड़ा हटके है, मेरी मम्मी की रेसिपी है, ज़्यादातर मम्मी की रेसिपी शेयर करते रहते हैं आप लोगों के साथ, थोड़ी थोड़ी मम्मी की रेसिपी में ट्विस्ट कर देते हैं, अपना तड़का लगा देते हैं, तो पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरी मम्मी के लिए लाइक, उनकी सिखाई हुई रेसिपी के लिए लाइक,
कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा अगर पसंद आए मेरी मम्मी के लिए, क्योंकि उनकी ही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अपने मम्मी के हाथ के जादू का स्वाद, बहुत अच्छा खाना बनाती थी मेरी मम्मी। तो देखिए हो गई हैं बॉल्स ज़्यादातर, इनको 2 सेकंड 3 सेकंड और क्रिस्पी करेंगे। क्रिस्पी हो जाएंगे तो बहुत अच्छी लगेंगी, टेस्टी लगेंगी, चटपटी सी। और एक बार ज़रूर प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बना के खाइएगा मेरे कहने पे। सब्सक्राइब चाहे नहीं करिएगा लेकिन इसको बना के ज़रूर खाइएगा एक बार तरीके से, मेरे तरीके से। हाँ, जैसे जैसे क्वांटिटी जो जो बताया है वैसे ही बनाइएगा, नहीं तो फिर आप बोलेंगे बताया कुछ था और बना नहीं वैसा, तो फिर इसमें मेरी गलती नहीं रहेगी अगर आप थोड़ा कम ज़्यादा ऊपर नीचे कर देंगे इसमें। तो प्लीज़ जैसे बताया है सिर्फ वैसे ही बनाइएगा। जैसे बराबर बराबर चलाते रहेंगे ना तो इनका कलर बिल्कुल सेम सेम आएगा हर तरफ से, नहीं तो कहीं पर डार्क हो जाएगा और कहीं पर लाइट हो जाएगा। तो इसलिए बराबर कलर के लिए इनको ऐसे बराबर बराबर चलाते रहना है। तो अब इनको निकाल लेंगे, गैस को कर देंगे बंद। तो बन गई मेरी रोटी की बॉल्स, आप लोग ज़रूर एक बार बनाकर खाकर देखिएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं पसंद आए तो मत करिएगा। लेकिन आगे की रेसिपी क्या पता आपको पसंद आ जाए, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और ऐसे ही हेल्दी रेसिपी और घर में जो सामान मौजूद हो उससे चटपटी रेसिपी, झटपट बनने वाली रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल पर प्लीज़ बने रहें, लाइक कमेंट शेयर करें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए वीडियो को देखिए और भी वीडियो को देखिए, जितने भी चैनल पर वीडियो हैं क्या पता कोई आपको पसंद आ जाए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।